पाकिस्तान इजराइल संघर्ष के बाद कश्मीर में सोने का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही आभूषणों की ऊंची दरें ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के कारण स्थिति और खराब हो गई है, जिसका हर किसी पर बुरा असर पड़ रहा है। यही कारण है कि सोने के व्यापारियों का कारोबार बंद होने के कगार पर आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच उच्च स्तर के तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बाद सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। परिणाम स्वरूप बहुत कम मांग और ग्राहकों की अनुपलब्धता के कारण सुनारों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में घाटी में शादी का मौसम चरम पर है और लोगों को अपने प्रियजनों के लिए सोने की वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उच्च दरों के कारण वे सोने के आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं। लोग प्रियजनों को उपहार के रूप में नकद भुगतान करना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं मध्यम वर्ग के लिए उच्च दरों पर सोने की वस्तुएं खरीदना संभव ही नहीं हो पा रहा है। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष और उच्च तनाव के बीच सोने की कीमतों ने व्यापारियों और ग्राहकों की कमर तोड़ रखी है। जंग की वजह से सोने को बहुत ज्यादा जो जंग की आवाज चली है, मैंने यही कहा कि 400 रुपये फी ग्राम सोने को रेट बढ़ गई है। आज से 6-7 दिन पहले 7350 रुपया पर ग्राम था 24 कैरेट, आज वही सोना आपको मिलेगा कश्मीर है 7780, 580 रुपया ग्राम को चढ़ गया। 10 ग्राम का अगर हिसाब कर लेंगे 55,800 हो गया ना। जो 100 ग्राम सोना लेता है अपने बजट के हिसाब से, वो उसको आप ये वो हमको 85 ग्राम ही लेता है। जो हमें 100 ग्राम के लेबर मिलते हैं, हमें 85 ग्राम में ही मिलती है। अब तो हमारे भी काम में थोड़े बहुत रुकावट पड़ गई। मतलब इस वक्त कस्टमर लेता ही नहीं है कुछ। हम इस वक्त बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप इसलिए बैठे हैं कि रेट बढ़ गया, कस्टमर लेने को ये ना क्या नाम है उसको हिम्मत ही नहीं है लेने की। वो बेचारा लेगा क्या? एक अंगूठी आता है 6-7 हजार की, 8 हजार की मामूली सी, उसको नजर ही नहीं आता है एक अंगूठी। पौंड ले लो तो 65,000 पौंड है, पौंड इतना सा है 65,000 में पौंड आता है। तो वो बेचारा बोलता है क्या ले लूं, या सेट देखेगा, सेट 5-6 लाख का आता है तो आता है छोटा। रेट्स बढ़ने के कारण से ये मतलब जो ईरान का जंग हो गया, जो इससे पहले जो जंग हो गया, दूसरा क्या था यूक्रेन वगैरह का जंग हो गया, उससे सोना बढ़ गया है। सोना बढ़ने से यहाँ मुझे लगता है कस्टमर आजकल कैश ही देता है, आजकल ये सोना वोना नहीं देता है, क्योंकि वो बेचारा अपोर्ट ही नहीं करता है। जी हमें परेशानी तो होती है। अभी लेबनान में जो आप सुन रहे हैं, बाकी खबरों में जो आ रहा है, लेबनान ईरान वगैरह फिलिस्तीन में जो अब अभी हालात है, तो उस वजह से इस इंटरनेशनल में मार्केट में थोड़ा रेट ज्यादा होती है। तो इस वजह से अगर हम मतलब हम अमीर और गरीब में फर्क नहीं रखते हैं, लेकिन गरीब उसमें फंस जाता है। लेकिन जो आप जो हमने देखा, आप भी अभी सोना देख रहे थे, जी कितनी मुश्किल होती है परचेज करना। जी मुश्किल तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो मतलब गरीब होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है। जो ये जो इंटरनेशनल में आज रेट होती है अब, उसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो इस वजह से तो अगर आप भी हम देख रहे थे, आप भी अभी शॉप पर देख रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, जी जी कितना आपने बाकी मार्केट भी देखा है, किसी जगह लग रही है उम्मीद कुछ अभी रेट डाउन होगी या अभी अभी तो जब तक इंटरनेशनल जब तक ये मतलब अटैक्स वटैक्स हो रही है, ये प्रेशर है बहुत सारा, तो उस वजह से रेट ज्यादा है। तो जब तक ये इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा कमी सुधार नहीं आएगा, तब तक तो रेट ज्यादा ही होता है।